कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। कुंभ में लाखों लोग डुबकी लगाने पहुंचते हैं। इस बार का कुंभ हरिद्वार में है। हालांकि इस बार कोरोना के कारण कुंभ मेला काफी एहतियात के साथ आयोजित किया जा रहा है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर भारतीय रेलवे से लेकर पुलिस प्रशासन तक ने तैयारियां कर ली है। कुंभ के पहले शाही स्नान से पहले 11 मार्च से हरिद्वार स्टेशन पर यात्रियों की बड़ी संख्या हो सकती है। ऐसे में उत्तर रेलवे ने हरिद्वार स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी कर दी है। अगर आप इस मेले में जाने वाले हैं तो सबसे पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें। साथ ही आपके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। कुंभ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हरिद्वार आने की तिथि से केवल 72 घंटे पहले तक की RT-PCR की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रम या धर्मशाला में प्रवेश के दौरान अपने मूल राज्य, जिला या तहसील के स्वास्थ्य केंद्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी कोरोना वायरस फिटनेस प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। देखा जाए तो कुंभ मेला का इतिहास काफी पुराना है। भारत में यह मेला बहुत अनूठा है। इसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और यह संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है। मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों पर होता है। ये स्थान है उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी पर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर। इस बार 11 साल पर ही हरिद्वार कुंभ लग रहा है, क्योंकि 2022 में गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला हर 12 वर्ष पर लगता है। आपको बता दें कि महाकुंभ केवल प्रयागराज में लगता है। यह हर 144 सालों में एक बार या 12 पूर्ण कुंभ के बाद आयोजित होता है। हरिद्वार कुंभ मेला का पहला शाही स्नान 11 मार्च दिन गुरुवार को महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है। इस दिन कुंभ मेले में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाएंगे।